एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीजर रिंग जेड प्लस टू डॉट। सो दिस इज द, इसको हम बोल देते रिंग ऑफ इंटीजर्स। इसमें एलिमेंट कैसे, जेड में जो इंटीजर है इट मीन्स 0, 1, 2 एंड -1, -2 एंड सो ऑन। इस तरीके से रिंग ऑफ इंटीजर एंड द ऑपरेशन आर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑर्डिनरी। ठीक है, तो प्लस एंड डॉट आर क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये दे आर द ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज कर सकते हो आप या यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, प्लस और डॉट को ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन लिया है। आर वन ओल्ड होना चाहिए, जेड अंडर एडिशन, जेड अंडर एडिशन दिस इज द अबेलियन ग्रुप। क्लियर, जेड अंडर एडिशन दिस इज अबेलियन ग्रुप। आप चार प्रॉपर्टी, ये पांच फाइव प्रॉपर्टी इजिली शो कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द अबेलियन ग्रुप। नाउ आर टू, आर टू जेट डॉट इज ऑलवेज सेमी ग्रुप। ठीक है, तो ये मैं एक आर वन आर टू लिख रहा हूं, तो आपको इसमें 1, 2, 5 प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। ठीक है, सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी होल्ड करानी है हमें, एक अंडर मल्टीप्लीकेशन इट इज क्लोज एंड सेकेंड वन इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आर थ्री, आर थ्री मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव। सो द मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो आप यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव की, फॉर एनी इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू दिस सेट, सो ए ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। बिल्कुल, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड ईयर। अब जेड है आपका, तो एक्चुअली ये इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स है तो ये जो, और ये जो ऑपरेशन यूज हो रहे है ऑर्डिनरी हो रहे है, ऑर्डिनरी एडिशन। तो जस्ट आप यू बता सकते हो यहाँ पे ए मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ऑर्डिनरी है प्लस ए इंटू सी। सिमिलरली एंड ऑफकोर्स बी प्लस सी इंटू ए विल बी बी इंटू ए सी इंटू ए। ये सभी इंटीजर के लिए होल्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो इट विल बी रिंग। सो देन दिस इज रिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन ये यहां पे आ रहा है कि व्हाट इज द जीरो ऑफ द रिंग, जीरो। तो जीरो, ये जो जीरो है लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज द जीरो ऑफ द रिंग है। ठीक है, जीरो ऑफ द रिंग को मैं जीरो से डिनोट करूंगा, और ये जो जीरो है दिस इज द इंटीजर जीरो। ठीक है, तो आप ये है तो सेम ही जीरो डिनोटेशन, तो आप सेम ही लगेगा, लेकिन ये जीरो जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हमें, दिस इज नथिंग बट जीरो ऑफ द जेड, जीरो ऑफ द रिंग। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जीरो ऑफ द रिंग जेड। ठीक है, जीरो ऑफ द रिंग जेड, जीरो इज इक्वल टू जीरो। ए, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। एडिटिव बोल दिया तो माइनस ए। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि ये जो जेड है क्या रिंग विद यूनिटी है, आर यू है, इट इज आर यू। और वन क्या है, रिंग विद यूनिटी है तो वन, वन है, वन है। यूनिटी को हम वन से डिनोट करेंगे, तो वन इज इक्वल टू ये वन। ठीक है, एंड जेड क्या सी आर है, कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव है, यस। ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड।
दिस इज जेड इज आर यू भी है, कम्यूटेटिव भी इज सी आर यू, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, क्लियर है, जेड इज सी आर यू। तो अब देखो क्या जेड के पास, तो क्या जेड के पास ऐसे एलिमेंट है जिसके मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सारे, जेड के पास सारे एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। नाउ सेकंड है जेड अंडर एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, दिस इज द रिंग ऑफ इंटीजर मॉडुलो, दिस इज द रिंग अंडर एडिशन मॉडुलो एन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। तो देखो ये ऑलरेडी हम इसके स्ट्रक्चर के साथ फेमिलियर है, जेड एन में कैसे एलिमेंट आते हैं, 0, 1, 2 एन माइनस 1, देखो स्पेशल ग्रुप है अंडर एडिशन नॉट मल्टीप्लीकेशन। देखो अगर मैं कहूँ जेड एन अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन, क्या ये ग्रुप बनाता है, क्या ये ग्रुप बनाएगा, नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंट्राडिक्ट करने के लिए तो हमें कोई भी नंबर चूज कर लो, आप यहाँ पे मैंने जस्ट ये एन जनरल के लिए, तो किसी भी एन के लिए क्या ये ग्रुप बना रहा है, सो जेड 4 कर दो, ठीक है, सो 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वैसे तो क्या होना चाहिए, ए इंटू कुछ करे तो यहाँ पे ए आए, है ना, तो अगर मैं 1 कर रहा हूँ ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए आ रहा है, ठीक है, कोई भी आप ले लो 0, 1, 2, 3 तक, तो ये ए आ रहा है। बट अगर मैं 2 ले लूँ, ठीक है, 2 इंटू 2 का इनवर्स फाइंड आउट करना चाहूँ, 2 इंटू 2 कर रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, तो 2 का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक, तो दिस जेड 4 अंडर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ए ग्रुप, ठीक, बट दिस इज द स्पेशल ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो एन, ये स्पेशल ग्रुप है, आर वन प्रॉपर्टी होल्ड अबेलियन ग्रुप। वैसे भी ये साइक्लिक ग्रुप का एक बहुत अच्छा मतलब एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जब भी आता है तो ये अपने आप सामने आता है, ठीक है, दिस इज द स्पेशल ग्रुप। नाउ आर टू, जेड एन अंडर मल्टीप्लीकेशन इज सेमी ग्रुप, भले ही ये ग्रुप ना बना रहा हो अंडर मल्टीप्लीकेशन लेकिन सेमी ग्रुप तो बनाएगा, ठीक है, तो सेमी ग्रुप कैसे बनाएगा, सो टेक एनी टू एलिमेंट फ्रॉम द जेड एन, देन इट्स प्रोडक्ट विल बी अगेन इन जेड एन बिकॉज मॉडुलो इज मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो इज एन, ठीक है, तो वो 0 से एन माइनस 1 के ही बीच में लाई करेगा वो, ठीक, क्योंकि वो जो रिमाइंडर आएगा दो, एक्चुअली ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो का मतलब ये होता है कि अगर ए इंटू बी कर दो, अगर इसमें मैं मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो यूज कर रहा हूँ, तो ए इंटू बी किया मैंने, फिर मॉडुलो एन यूज किया, इट मीन्स एन से डिवाइड किया, तो जो मेरा रिमाइंडर आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए, एंड एडिशन के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एन से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो इसका वैल्यू होता है, ठीक है, तो आप इसको सेमी ग्रुप इजीली दिखा सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे आपने जैसे किया मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है, तो इसका जनरल प्रूफ है, इसका जनरल आप करके कर सकते हो, जेड एन अंडर एडिशन अबेलियन दिखाना है तो आपको वो पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करानी है, देन यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी होल्ड करानी है, देन दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर एनी 3 एलिमेंट बिलोंग टू जेड एन, सो ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, बी एडिशन मॉडुलो सी, ठीक है,
ठीक है, इस तरीके से आएगा ऑपरेशन ए एंड एडिशन मॉडुलो ए इंटू सी, ठीक है, ये रहेगा। एंड सिमिलरली अब जैसे आप ये इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर आप अगर मैं कहीं पे ऐसे भी लिख दूं बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, तो ये अंडरस्टूड है कि जो ऑपरेशन यहाँ ए और इनके बीच में हो रहा है वो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो ही होगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो ही होगा। जब ऐड हो रहा है तो इसका मतलब एडिशन मॉडुलो होगा, यहाँ पे आपको ये देखो यहाँ पे दो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो होगा और ये एडिशन मॉडुलो एन होगा, आपको ए और सी के बीच में क्या होगा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन होगा। तो अगर आपके पास गिवन स्ट्रक्चर है ये जेड एन अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, तो अगर उसको आप इस फॉर्म में भी लिखो तो ये अंडरस्टूड है कि आपने यही किया है, ठीक है, जो ऑपरेशन इन दोनों के बीच में। अगर ये शो नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे दिखाना कंपलसरी नहीं है, अगर हमने इसको मान रहे हैं कि या स्ट्रक्चर जो है जो हमारा रिंग का वो इस टाइप का है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इस टाइप का है, तो ये अंडरस्टूड है। अगर यहाँ पे हम नहीं दिखाते कि ऑपरेशन क्या होगा तो ये अंडरस्टूड है कि वो यही होगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो ही होगा यहाँ पे एन, और ये एडिशन प्लस कर रखा है जस्ट, तो उसको हम एडिशन मॉडुलो एन ही कॉल करेंगे। तो इसको करने के लिए अगर आपके पास टाइम हो, वैसे तो इतना जरूरी नहीं है ये करना प्रूफ करना, तो अगर टाइम हो तो आप कर सकते हो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलो। देखो उसकी जो प्रॉपर्टी है मॉडुलो की, जैसे ए प्लस बी मॉडुलो एन होता है, तो मैक्सिमम इसमें केवल दो ही प्रॉपर्टी यूज होती है, एक तो ये बी मॉडुलो एन एंड एक मॉडुलो एन, इस तरीके से, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा ए मॉडुलो एन इंटू बी मॉडुलो एन का होल मॉडुलो एन। ऑफकोर्स आपको ये पता होना चाहिए अगर आपने ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन ए, ठीक है, अगर ये है इसका मतलब ये होता है कि एन जो डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को कर रहा है, ठीक है, तो आप चलो बी की जगह आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बी की जगह आर लिख लो। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स ये होता है कि देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर क्यू सच दैट सो ए माइनस आर इज इक्वल टू एन क्यू। सो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, एंड ये जो आर होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन एन। अब एक्चुअली ये एक नंबर के लिए था, नंबर ए जब एन डिवाइड करता हो इस तरीके से आप लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है ए प्लस बी जो है मॉडुलो एन, अब ए प्लस बी को एन डिवाइड कर रहा है, तो ए प्लस बी को एन डिवाइड कर रहा है, और सपोज कुछ कोसेंट आ रहा है और कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो ये जो आर होगा, ठीक है, ऑलवेज दिस वन, ठीक है, और तो बाय द डिवीजन एल्गोरिदम वी कैन राइट दिस वन ए प्लस बी कैन बी रिटन एज एन क्यू प्लस आर, ओके, और ये मेरा क्या होता है लेस देन एन, ठीक है। और एक्चुअली ये देखो अगर मैं मॉडुलो लगा दूं, इसमें एडिशन मॉडुलो बोल दूं इसको, तो ये एडिशन मॉडुलो जैसे ही लगेगा, ये जो एन जब भी एन के मल्टीपल में कुछ भी आएगा एन विल बी जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा और एन क्यू जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर क्यू है, तो अगर मैं इसमें एडिशन मॉडुलो लगा रहा हूँ, ठीक है, मॉडुलो एन बोल रहा हूँ, तो ये क्या आ रहा है एन क्यू प्लस आर मॉडुलो एन, ठीक है, एन क्यू प्लस आर मॉडुलो एन, आर तो एन से छोटा है
वो तो एज इट इज रहेगा, बट एन क्यू शुड बी जीरो, सो दिस इज आर। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ या इसको इस तरीके से लिख लूँ तब भी एक ही बात है, ठीक है। अगर ये गिवन है तो आप इसमें ले जा सकते हो, अगर ये गिवन है तो इसमें मोडोलो लगा के ये कर सकते हो, और ये दोनों इक्विवेलेंट है। क्लियर है? ये एक्चुअली ग्रुप थ्योरी में हम कर चुके हैं, ठीक है। चाहो तो आप ये कर लेना, इसको शो कर लेना, अदरवाइज आप ये मान के चलो कि ये रिंग फॉर्म करता है। अब देखो जी, व्हाट इज जीरो ऑफ द रिंग? जीरो ऑफ द रिंग होगा जीरो ही। देखो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ नंबर से, तो जे में लिख रहा हूं, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जे क्या होगा? माइनस जे को आप रिप्रेजेंट करोगे एन माइनस जे से, ठीक है। निगेटिव ऑफ जे विल बी एन माइनस जे, जो कि हमने ऑलरेडी ग्रुप में पढ़ चुके हैं अंडर एडिशन हम एन माइनस जे, क्योंकि भाई देखो जे में मैं एन माइनस जे ऐड करूंगा, ठीक है। अफकोर्स ये जो एडिशन है, एडिशन मॉडुलो एन है, एडिशन मॉडुलो एन है। जब भी ऐसा हम नंबर ऐड करेंगे तो जे जे कैंसिल आउट हो गए, वो एन के फॉर्म में आएगा, यहाँ पे एन आएगा। तो जैसे मॉडुलो हम यूज करेंगे, मॉडुलो विल बी जीरो, ठीक है। मॉडुलो एन यूज करने पे ये जीरो आएगा, सो इट विल बी एडिटिव इनवर्स ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस जे। तो माइनस जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो इसको ओनली मैं रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस जे टाइप का एलिमेंट जेड एन में नहीं है, ठीक है। जेड एन में कैसे एलिमेंट है? 0, 1, 2 एंड सो ऑन एन माइनस वन तक, ठीक। बट माइनस जे का मतलब ये है कि वो एडिटिव इनवर्स ऑफ जे, इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे, लेकिन वो होगा क्या? एन माइनस जे। क्या ये रिंग विद यूनिटी होगा? अब एक्चुअली थोड़ा सा वेरिएशन अब यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा आपको। जो यूनिटी की डेफिनेशन है वो नॉन ट्रिवियल रिंग में डिफाइन किया गया है इन द गैलियन में, ठीक है। ट्रिवियल रिंग वो होता है जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट होता है, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल में क्या होगा? एटलीस्ट टू एलिमेंट होंगे, नॉन ट्रिवियल में एटलीस्ट टू एलिमेंट होंगे। तो दिस यूनिटी का जो कंसेप्ट है इन गैलियन में, वो नॉन ट्रिवियल रिंग के लिए पूरा पूरा मेंशनड है वहां पे, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल रिंग होगा तो एक नॉन जीरो एलिमेंट भी आएगा उसमें, यूनिटी की बात कर रहे हैं तो नॉन जीरो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन जीरो एलिमेंट ऐसे भी हम नहीं देखेंगे, अगर जीरो रिंग होगा या ट्रिवियल रिंग होगा तो उसमें वैसे भी हम फाइंड आउट नहीं करेंगे उसका यूनिटी होगा या नहीं होगा, हमें ओनली नॉन जीरो यानी नॉन ट्रिवियल रिंग पे देखना है, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल रिंग के केस में ये थ्रू आउट नॉन ट्रिवियली रिंग चल रहा है, ठीक है। तो आर यू होगा और इसकी जो यूनिटी होगी विद मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो विल बी वन, ठीक है, क्योंकि वन इंटू ए कर लो, ए ही आएगा, क्लियर है। कम्यूटेटिव रिंग होगा मॉडुलो के केस में, जो ये मॉडुलो होता है वो, ठीक है, कम्यूटेटिव भी करा देगा, ए इंटू बी विल बी बी इंटू ए। तो जस्ट बस इसकी जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था वो यूज करके आप इजीली दिखा सकते हो। देयरफॉर दिस जेड एन इज सी आर यू, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। रिंग तो है ही, वो कम्यूटेटिव भी है और यूनिटी भी है उसके अंदर। इनवर्स के एलिमेंट के बारे में क्या कहना है आप लोगों का? इनवर्स एलिमेंट सारे नहीं है, बस ये बोल सकते हैं हम, सारे नहीं है, लेकिन कुछ तो केस होगा जो सारे भी हो जाएंगे। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जेड एन, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जेड एन पजेस इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इफ एंड ओनली पी इज प्राइम, ठीक है। ये प्रूफ करेंगे हम बाद में, फिलहाल वैसे ये नहीं दिख रहा है कि अगर जेड एन है, जेड एन तो भाई एन कुछ भी हो सकता है, तो सबके लिए हम ये नहीं कह सकते इसके पास सारे जो एलिमेंट होंगे नॉन जीरो एलिमेंट वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पजेस करेंगे, ये नहीं बोल सकते,
ठीक है, जेड एक्स। देखो जो पहले तो जेड एक्स जो है वो कैसा होगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड शो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन एंड शो ऑन। जरूरी नहीं है एन तक ही हो, तो उससे ज्यादा भी बड़ा भी एक कोई पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, वेयर ए आई बिलोंग्स टू, बस ये ध्यान रहे जो ए आई होंगे जो कोफिशियंट होंगे वो शुड बी द इंटीजर। सो जेड एक्स इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल्स विद इंटीजर कोफिशियंट। ठीक है, सो यहां पे जो ऑपरेशन डिफाइंड होगा अंडर एडिशन, सो सपोज दो पॉलिनोमियल ले लो आप पी एक्स एंड क्यू एक्स। ठीक है, सो पी एक्स एंड क्यू एक्स, सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, चलिए पी एक्स प्लस क्यू एक्स, हाँ सर पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज नथिंग बट द पी प्लस क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये एडिशन मैंने डिफाइन किया है, तो यानी दो पॉलिनोमियल ले रहा हूँ मैं इससे, और जो कोफिशियंट है इसको कैसे, दो अगर मेरे पास, चलो मैं एक छोटे से दो नौ वो ले लेता हूँ पॉलिनोमियल, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स टू द पावर फोर कर लेता हूँ, क्यू एक्स मैं ले रहा हूँ टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स टू द पावर, चलो फाइव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दो पॉलिनोमियल लिए, इन दोनों को मैं मुझे ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है पी एक्स प्लस क्यू एक्स, जो ऑपरेशन है ये एडिशन वाला वो किस फॉर्मेट के, जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम कंपोनेंट वाइज एडिशन। क्लियर है, क्योंकि जब भी पॉलिनोमियल का ऑर्डिनरी जो एडिशन होता है वो क्या होता है, कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है। तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन नहीं है, इट मीन्स द वो क्या है, जीरो है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म इसका जीरो है। ठीक है, तो वन प्लस जीरो, ये टू एक्स है, ये टू एक्स है, देन टू एक्स टू प्लस टू एक्स, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो जीरो है ये एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आप लिखोगे। एक्स क्यूब का टर्म जीरो होगा, एक्स क्यूब का टर्म जीरो होगा, और एक्स टू द पावर फोर का टर्म थ्री हो जाएगा कोफिशियंट जो है, और यहाँ पे फाइनली ये क्लियर है। सो दिस इज नथिंग बट द, आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये सो दिस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज डिफाइंड बाई कॉम्पोनेंट वाइज, एंड सेकेंड वन इज पी एक्स, पी एक्स इंटू क्यू एक्स कर रहा हूं। ठीक है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा पी क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यानी सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप p इंटू क्यू कर रहे हो, आप कांस्टेंट के साथ एक बार इसको करोगे, कांस्टेंट के बाद इसको करोगे, जितने भी पॉसिबिलिटी है हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, जितने भी पॉसिबिलिटी जो प्रोडक्ट होके आए वो सब के टर्म हमें लिखना है, एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको हम बोल देंगे। ठीक है, और एडिशन क्या है, कॉम्पोनेंट वाइज। दोनों को आप, अब एडिशन कंपोनेंट वाइज हो रहा है तो इट सेल्फ ये पॉइंट वाइज हो रहा है। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे पॉइंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हो। तो बस हमें पता होना चाहिए, बोले कुछ भी जो हमें पता होना चाहिए हम कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन है हमारे, जस्ट मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कोई कंपोजिशन नहीं यूज करना है। पी इंटू क्यू जब भी आएगा आप जस्ट मल्टीप्लाई करना है, जो ऑर्डिनरी जो मल्टीप्लाई हम करते थे किसमें, पॉलिनोमियल्स में।
या फंक्शंस में वो वाला यूज करना है, एफओजी मत यूज कर देना। क्या ये रिंग बनाएगा, पहले तो ये क्वेश्चन है। अगर रिंग बनाएगा पहले तो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, इट मीन्स पी एक्स प्लस क्यू एक्स फॉर एनी पी एक्स कॉमा क्यू एक्स इन दिस जेड एक्स, दिस प्लस मस्ट बी इन जेड एक्स, सो जेड एक्स इज द क्लोज अंडर द एडिशन। ठीक है, देन एसोसिएटिव, एसोसिएटिव तीन पॉलिनोमियल का एडिशन, एसोसिएटिव आप इजीली कर सकते हो। जैसे आपने पी लिया है, ठीक है, पी एसोसिएटिव के लिए तीन लेने पड़ेंगे, आप इस तरीके से ले लेना ए एक्स टू द पावर, चलो ए आई 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 वेरीज फ्रॉम वन टू एन ले सकते हो कोई भी। ठीक है, ये ए आई क्या है, इंटीजर कोफिशियंट है। ठीक है, क्यू एक्स इज इक्वल टू जे वेरीज फ्रॉम वन टू एम बी जे एक्स जे, इस तरीके से आप दो लेके इनका एडिशन करके दिखा दो। ठीक है, और ध्यान रहे, देखो यहाँ पे जो डिग्री है, अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात आएगी तो सपोज इसकी डिग्री एन है, ठीक है, पी की डिग्री जो है एन है और क्यू की डिग्री जो है पॉलिनोमियल क्यू की डिग्री एम है, तो इन दोनों का एडिशन का डिग्री क्या होगा, एडिशन की डिग्री क्या होगी। अगर एन बड़ा हो जाए तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वही होगा, अगर दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, अगर दोनों इक्वल हो गए तो वो जो डिग्री होगी एडिशन की वो इक्वल भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान रहे, देखो जैसे डिग्री का कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है और क्यू एक्स की डिग्री मैंने लिख लिया, क्यू एक्स लिख लिया वो वन प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, देखो इसकी डिग्री क्या है, थ्री है, इसकी डिग्री है, इसकी भी थ्री है, लेकिन इनको जब ऐड करोगे आप तो उसकी डिग्री आ रही है टू। तो एडिशन में अगर डिग्री सेम है तो एडिशन की डिग्री या तो वही रहेगी या उससे कम हो जाएगी, क्लियर। लेकिन अगर कोई बड़ा है कोई छोटा है तो उस केस में तो मैक्सिमम ही रहेगी। तो इस केस में आप क्या कह सकते हो कि जो भी पी एक्स और क्यू एक्स की जो डिग्री होगी, क्लियर है, अगर इसकी डिग्री एम है, डिग्री ऑफ पी एक्स विल बी सपोज एन एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू एम, देन द डिग्री ऑफ पी प्लस क्यू एक्स, डिग्री ऑफ पी प्लस क्यू एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैक्स ऑफ एन कॉमा एम, ये कम भी हो सकती है, ठीक है, कम भी हो सकती है। तो मैक्सिमम लेकिन इन दोनों की डिग्री में ही कोई एक होगी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी। इस तरीके से आप प्रोडक्ट में भी कर सकते हो। हाँ, प्रोडक्ट में क्या है, वो डिग्री ऑफ पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू एक्स क्या आएगा, एम प्लस एन कर दूं, इक्वल आएगा, इक्वल ए वन एक्स एंड सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन, इसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशियंट। ठीक है, अगर ए एन जो है लीडिंग कोफिशियंट है और ऑफकोर्स नॉन जीरो है तभी ये डिग्री जो होगी पॉलिनोमियल की वो एन होगी। सपोज क्यू एक्स मैंने ले लिया बी नॉट बी वन एक्स b1x and so on bm x to the power m, ठीक है, of course ये leading coefficient है, इसकी degree m तभी होगी जब bm मेरा non-zero होगा। ठीक है, तो जब आप इसका multiply करोगे तो ये multiplication कैसा है, point wise है, तो यानी ये जो multiplication हो रहा है सबके साथ हो रहा है, तो maximum जो हमारा पावर में आएगा, मैक्सिमम जो पावर होगा
जब ए एन एक्स टू द पावर एम और बी एम एक्स टू द पावर एम को मल्टीप्लाई करेगा तब आएगा। और वी नो इफ इंटीजर इंटीजर है, देखो नॉन जीरो इंटीजर इंटू नॉन जीरो इंटीजर होगा ए एन इंटू बी एम होगा, तो वो ऑलवेज एक नया कांस्टेंट आएगा विच इज नॉन जीरो। ठीक है, क्योंकि भाई ये इंटीजर है तो दो नॉन जीरो इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो ही होगा। इंटीजर के केस में है ये, लेकिन इंटीजर मोडुलो जब आएगा वहां पे फिर ये गड़बड़ करेगा। लेकिन इंटीजर है, ए और बी इंटीजर है, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो इंटीजर इंटू नॉन जीरो इंटीजर विल बी ऑलवेज नॉन जीरो इंटीजर। सो इसकी डिग्री सीधे एन प्लस एम हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो, इसमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। एग्जाम्पल को अगर आपने वो फर्स्ट ईयर में वो बुक पढ़ी हो, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, जो रेफरेंस बुक है, उसमें जब पॉलिनोमियल को डिफाइन किया है उसने, एटलीस्ट उसने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, पॉलिनोमियल को जो सबसे लोएस्ट पॉलिनोमियल होगा उसने ये कहा है, उसने कांस्टेंट पॉलिनोमियल को भी डिफाइन नहीं किया है, एंड जीरो पॉलिनोमियल को भी तो किया ही नहीं है उसने जीरो और डिफाइंड, जैसे ये, तो उसने पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन लिखी है यहां से स्टार्ट किया है, कांस्टेंट टर्म विद वेरिएबल। लेकिन अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी है ना, केवल ये ए नॉट टाइप का भी पॉलिनोमियल है, तो अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसकी डिग्री जो होगी आप जीरो रखोगे। ठीक है, तो कहीं पे नोट्स लगा लेते हैं, चलो यहीं पे डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह दिया, तो अगर मैं यहाँ पे जीरो लिख रहा हूं, जीरो इज अगेन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा लिखो, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज ऑलवेज जीरो होगी। ठीक है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कि ये, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पे जो नंबर होगा इस टाइप का होगा। ठीक है, तो इसलिए डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो डिग्री। नाउ अब आता है जीरो के बारे में। अब वैसे तो आप देखो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो करूंगा तब भी ये जीरो ही रहेगा, एक्स टू द पावर वन करूंगा तब भी ये जीरो ही रहेगा। लेकिन यहाँ पता नहीं लग पा रहा है कि x की पावर में क्या करूं कि ये एज इट इज जीरो ही रहे। ठीक, तो इस केस में, अब इस केस में तो ये भी देखो, अगर x की पावर में माइनस वन भी कर दूं तब भी सेटिस्फाई है, x की पावर इन्फिनिटी कर दूं, खैर इन्फिनिटी नंबर तो नहीं होता, टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूं तब भी ये जीरो ही है। तो जैसे हम फीडवर्क आगे लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे फीडवर्क में, तो उसने कहा है डिग्री ऑफ, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैं तो अनडिफाइंड ही कहूँगा, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज माइनस वन और माइनस इन्फिनिटी। फॉर कन्वीनियंस के लिए उसने ये बोल दिया कि जो माइनस वन और माइनस इन्फिनिटी है, जो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो यहां जाएगी, मतलब पीछे। ठीक है, तो ये फीडवर्क ने कहा है। खैर जब हम लीनियर अलजेब्रा करेंगे उसमें पॉलिनोमियल्स के ये बहुत सारे केसेस बनेंगे, उसको वहां पे हम डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको ये मान के चलेंगे अभी अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड पॉलिनोमियल है ना विथ इंटीजर कोफिशियंट।
मेन क्वेश्चन ये, दिस वी ऑलरेडी नो दिस इज द रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, सो क्या ये कम्यूटेटिव रिंग होगा? देखो पी एक्स इंटू क्यू एक्स करूँ, क्यू एक्स इंटू पी एक्स, सपोज पी एक्स आपने ले लिया ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स एंड शो ऑन स्क्वायर आएगा ए एन एक्स टू द पावर एन, और क्यू एक्स आप ले लो बी नॉट बी वन एक्स बी टू एक्स स्क्वायर, ये टू ए बी एन एम एक्स टू द पावर एन, ठीक है, पी इंटू क्यू एक्स, अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ रहा है? ठीक है, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सी नॉट सी वन एक्स सी टू एक्स एंड सी के एक्स टू द पावर के एंड सो ऑन ए एन बी एम एक्स टू द पावर एन प्लस एम, ठीक है, ये आएगा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सी नॉट क्या होगा, पहले ही बताओ सी नॉट क्या होगा, ए नॉट बी नॉट, व्हाट इज सी वन, यस ए नॉट बी वन, ये आ रहा है। अगर आप सी टू देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, यहां से स्टार्ट करो ए नॉट इंटू बी टू करने पे, देन ए वन इंटू बी वन ए टू इंटू बी नॉट, तो कुछ पैटर्न आपको मिल रहा है क्या? और एक और कर लेते हैं सी थ्री, आप देखो ये जो ए नॉट और बी, ये जो सफिक्स में लगा हुआ है उनका एडिशन, ठीक है, उनका जो एडिशन है वो क्या आ रहा है? थ्री आ रहा है, जीरो प्लस थ्री थ्री, वन प्लस टू थ्री, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस जीरो थ्री, तो जितने भी पॉसिबल एडिशन है, ठीक है, जिसका जो थ्री आए तो वो सारे आ गए, ठीक है, जीरो प्लस थ्री आ गया, वन प्लस टू आ गया, टू प्लस वन आ गया, थ्री प्लस जीरो आ गया। सिमिलरली टू के लिए चेक करो तो जीरो प्लस टू हो सकता है, वन प्लस वन हो सकता है, टू प्लस जीरो, इस तरीके से आपने चेक किया। तो अगर आपने यहाँ पे सी के फाइंड आउट आपको करना है तो आप इजीली कर सकते हो, दिस इज ए नॉट बी के, और ये क्या आएगा ए वन बी के माइनस वन, करेक्ट, ए टू बी के माइनस टू एंड शो ऑन ए के बी, यस करेक्ट करेक्ट। अब मुझे इसको समेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो ये तो भाई कुछ नहीं है, ये दिक्कत नहीं है, समेशन जैसे ए बी, और मैं सपोज यहाँ पे के को वेरी करा रहा हूँ, चलो आई अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, जीरो टू सपोज यहाँ तो वन ही आएगा, जीरो टू वन है, तो मैं यहाँ क्या करूँ, आई अगर मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा वन माइनस आई, अगर मैं यहाँ पे देखो जीरो में पुट करूँ तो जीरो और वन पे वेरी कर रहे हैं, जीरो ए जीरो बी वन, सेकेंड मेरा आएगा आई इज इक्वल टू वन पे ए वन बी जीरो, तो वैलिड है। अगर मैं इसको सीरीज फॉर्म में लिखूँ तो ये सपोज ए आई बी टू आई, आई वेरीज फ्रॉम जीरो टू, तो देखो सी के, सी के को मैं लिख रहा हूँ I varies from 0 to k a i b k minus i, ठीक है, तो देखो अब इसको अगर आप ओपन करो तो यही मिलेगा आपको, ठीक है, I अगर 0 है तो a 0 b k, b k minus i है, इट मीन्स b k minus 0 b k ही होगा, सेकेंड आई अगर वन है तो देखो ए वन बी के माइनस वन, जो सेकेंड टर्म आया, आई इज इक्वल टू टू थर्ड टर्म आएगा एंड शो ऑन ये, तो अगर इस टाइप के दो
देखो ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे तो हो सकता है पूछ ले ऐसे दो पॉलिनोमियल आपको दे दे, ठीक, लार्ज पॉलिनोमियल, और बोल दे कि भाई एक्स टू द पावर 5 का जो कोफिशियंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो मैंने कहा पी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स प्लस 2x² प्लस 3x³ प्लस 4x⁴ 5x⁵, ठीक है। पी एक्स ये है, क्यू एक्स में ले रहा हूँ तो 5x प्लस 4x² 3x³ 2x⁴ x⁵। क्लियर है? सो व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ x⁵, ठीक है, x⁵ इन पी एक्स इंटू क्यू एक्स माइनस आई। तो इनकी वैल्यू रख के कितने टर्म्स आ रहे हैं, 5 तक जाएगा, 6 टर्म आएंगे, और उनका जो एडिशन आएगा आप निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि वी नो ए नॉट क्या है और बी नॉट क्या है, ए वन क्या है, बी वन, ये सब हमें पता ही है। जस्ट इनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, सिंपल है, लेकिन आप क्या होता है कि इसमें दो आपको पॉलिनोमियल ऐसे दे देंगे वो, ठीक है, कि जब आप इनको कोई और बीच का कोई टर्म पूछ लेंगे x⁵, अगर लार्ज, अब जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे दो दो ऐसे पी एक्स और क्यू एक्स आपको दे दिया जाएगा हायर लेवल पे, हायर लेवल की बात करें तो इस तरीके से कि इनके जो प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो आपका ए सी के क्या होता है, सी के आई वेरीज फ्रॉम 0 to k, आई बी के माइनस आई, तो इन दोनों का जो टर्म हो रहा होगा, इन दोनों का जो सम हो रहा होगा, या तो हो सकता है ये किस फॉर्म में बनेगा, या तो हो सकता है ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाए या अर्थमेटिक वाली बन जाए, जिसका आप इजीली समेशन निकाल पाओ। हो सकता है इस तरीके से वो फ्रेम कर दें पी और क्यू के क्यू को, कि उसके जो कोफिशियंट है इस टाइप से बने, ठीक है, ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर n-1 इस टाइप से बन जाए, ठीक है। तो इसका अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो वी नो दिस इज द ज्योमेट्रिक सीरीज, हम इजिली आपको बता सकते हैं। अगर इसको इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर दे और सीरीज मेरा इस तरीके से आए और आर की जो वैल्यू है, ऑफकोर्स यहाँ पे वो बोल दे 1 से छोटी, मोड आर इज लेस देन 1, सो इसकी जो सम होगा, इसका सम आपको बताया ए अपॉन 1-r, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है ऐसे फ्रेम होती है हायर लेवल पे, ठीक है, इनफाइनाइट के केस में, और फाइनाइट के केस में भी आप इसका सम कर सकते हो। ये जो होता है इनफाइनाइट के केस में, दिस टेंडिंग टू 0, ये 0 की तरफ टेंड कर जाता है, तो आपका ये जो होता है ए अपॉन -1, यानी माइनस से नीचे डिवाइड कर दो तो 1-r बन जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट के केस में, बस ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू 0 चला जाता है, तो ये डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। हो सकता है ये इस फॉर्मेट में दे दे, जैसे 1+, ठीक है, 2+, 3+ एंड सो ऑन अप टू n टाइप का हो। हो सकता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस तरीके से बन रहा हो, ठीक है, इनका सम भी आपको पता है, इनका सम भी पता है, हो सकता है इस तरीके से भी वो दे दे, ठीक है, इस तरीके से मतलब पॉलिनोमियल वो सेट करे कि जो सी के वो इस प्रोडक्ट के फॉर्म में आए, तो वो पूछ सकता है आपको अप टू 100, जैसे वो कहेगा भाई अप टू 100 का मतलब सी 100 बताओ, ठीक है, सी 100 बताओ, तो अगर वो 100 सी 100 पूछता है
तो आप देख लो ये किस फॉर्म में आए, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के आपको आंसर देना होता है। तो ये चीज़ें हैं, देखो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था और कहाँ पहुँच गए। चलो जेड एक्स, सो अब जेड एक्स जो है, फाइनली जेड एक्स जो है कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग है। देखो क्योंकि क्योंकि जो ये जो नंबर है, ठीक है, ए नॉट बी थ्री प्लस ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन प्लस ए थ्री बी नॉट, ये क्या है, ये इंटीजर्स है। इसको आप ए नॉट बी थ्री को बी थ्री ए नॉट करके लिख सकते हो। तो जैसे ही आप ये लिख लोगे, सो क्यू एक्स इंटू पी एक्स बन जाएगा, सो ये हमारा कम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग। सो जेड इज, जेड एक्स इज द कम्यूटेटिव रिंग। क्या जेड एक्स के पास कोई यूनिटी है? क्या है फिर यूनिटी है तो, ठीक है, वन इज द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, सो दिस इज द रिंग विथ यूनिटी। सो जेड एक्स इज द कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो इसी में आप ये भी देख सकते हो, आर एक्स है ना। अब आर एक्स में कैसा है, पॉलिनोमियल कोफिशियंट रियल नंबर्स, ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हो, सेम अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, जो भी हम पॉलिनोमियल में करते हैं। सिमिलरली क्यू एक्स, ठीक है, क्यू एक्स सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसमें भी आप चेक कर सकते हो बना के ये रिंग, ठीक है, दे बोथ आर रिंग अंडर दिस एंड दिस, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में। तो ये भी आप चेक कर सकते हो इसी एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल थर्ड में।